जाओ चित्रांगदा, रुक जाओ। नहीं पिताजी, मैं निर्णय ले चुकी हूँ, मेरा रुकना असंभव है। मुक्ति दो मुझे। रुक जाइए। प्रभु, आपने मुझे बुलाया। हाँ जामवन जी, हमें आपकी आवश्यकता है, आप शीघ्र यहाँ आ जाइए। मैं आता हूँ प्रभु, मैं आता हूँ। महाबली काका, आप किससे बात कर रहे थे? मुझे विलंब हो रहा है, मुझे मारुति के पास जाना है। महाबली काका, अभी तो आप कह रहे थे कि वहां किसी के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जावन जी, अभी एकाएक ऐसा क्या हो गया जो आप मारुति से मिलने के लिए इस प्रकार उतावले हो उठे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वो देख लिया हो जो हम सब मिलकर भी यहाँ नहीं देख पा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मारुति के पास जाने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि आप सभी की बातों से मैं चिंतित हो उठा हूँ। मैं ही आप सभी को वहां जाने से रोक रहा था, और यदि कुछ हो गया तो दोष मुझे ही लगेगा ना? हाँ हाँ जामवन जी, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं, और यदि ऐसा है तो आपको जाना ही चाहिए। हम भी तो यही चाहते हैं कि मारुति के साथ कोई हो। ठीक है ठीक है, मुझे जाने दीजिए। क्या करूं? जामवन जी अभी तक नहीं आए, मेरे सिवा जामवन जी इन्हें संभाल सकते हैं। यदि उनके आने से पहले विश्वकर्मा जी होश में आ गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया होगा, प्रभु किस परिस्थिति में होंगे, हमें शीघ्र से शीघ्र प्रभु के पास पहुंचना होगा। देव ऋषि, ये क्या, हनुमान जी ने जामवन जी को स्वयं बुला लिया है, और इसका अर्थ तो ये है कि जामवंत जी और हनुमान जी दोनों प्रत्यक्ष रूप से मिलकर कार्य करेंगे। हाँ गंधर्व कुमार, जामवंत जी तो वर्षों से इस घड़ी की प्रतीक्षा में है कि वे स्वयं रुद्र अवतार हनुमान जी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब तीनों देव, विष्णु देव के अंश श्री राम, शिव जी के अंश हनुमान जी, ब्रह्मदेव के पुत्र जामवंत जी की लीलाएं आरंभ होंगी। ये तो बहुत सुखद घड़ी है देवऋषि, कि संसार की तीनों शक्तियां धरती पर फैले अधर्म और पापाचार का नाश करेंगी। हाँ गंधर्व कुमार, लंकेश रावण ने जो पाप और अधर्म का साम्राज्य फैला रखा है उसके नाश का आरंभ तो हनुमान जी पहले से ही कर चुके हैं। देखा नहीं आपने कितने असुरों को यमलोक पहुंचा चुके हैं हनुमान जी? जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अब वे भी प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की हर लीला में सम्मिलित होंगे।
आपका जीवन तो धन्य हो गया है जामवंत जी। नारायण नारायण। अंधेरा भी घिर आया, रात्रि भी हो चुकी, किंतु जामवंत जी अभी तक नहीं आए। विश्वकर्मा जी को भी अचेत हुए बहुत समय हो गया है। इनकी चेतना किसी भी समय वापस आ सकती है। मारुति, हम आ गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। क्षमा कीजिएगा प्रभु, आप तो चिंता हरने वाले रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। आपको तो कोई चिंता छू भी नहीं सकती है। जामवंत जी, हमें तो बार बार आपकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु बताइए हमें क्या करना है। आप कह रहे थे ये विश्वकर्मा जी है। हाँ जामवन जी, एक शाप के कारण इनका ये हाल हुआ है। हमें अभी तक विश्वकर्मा जी की मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है। इनकी मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए हमें स्वयं जाना है, किंतु समस्या ये है कि इनकी चेतना वापस आते ही ये उपद्रव मचाने लगते हैं। इनके उपद्रव के बारे में मैंने भी सुना है प्रभु, किंतु मेरे लिए क्या आदेश है? जामवंत जी, जब तक हम वापस ना आ जाएं, आप इनका ध्यान रखिएगा। चाहे ये जितना भी उपद्रव मचाएं, किंतु इन्हें कहीं भी जाने मत दीजिएगा। आप सदा इनके साथ ही रहिए। जो आज्ञा प्रभु। किंतु आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हम ऋषि मतंग के पास जा रहे हैं, किंतु ये समय उनके विश्राम का है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते। हमें स्वयं उनके पास जाना होगा। ठीक है प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। विश्वकर्मा जी, आपके दुख को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, किंतु आपके दुख को हरने के लिए स्वयं बजरंग बली आ गए हैं। और बजरंग बली जिसके साथ है, उसके सारे दुख सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। जय 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 बजरंग बली। गुरु मतंग, प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया?
मुझे बुला लिया होता। ऋषिवर, जैसे आपको मेरे कष्ट की चिंता है, ऐसे मुझे भी आपकी कष्ट की चिंता है। रात्रि को आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। प्रभु आइए विराजिए। ऋषिवर, आपने बताया था कि चित्रांगदा धरती लोग पहुंच गई थी, फिर क्या हुआ? प्रभु, विश्वकर्मा जी के बार बार कहने के बाद भी चित्रांगदा वापस नहीं लौटी। पृथ्वी लोक पर महाराज सूरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रांगदा ने आ जाने का वचन दिया था, किंतु अभी तक नहीं आई। महाराज! चित्रांगदा! महाराज! चित्रांगदा! मैंने आपका वचन दिया था, मैं आ गई। चित्रांगदा, हमें भी अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। जहां सच्चा प्रेम हो वहां मिलन तो होगा ही। महाराज, हम अपने पिता और सारे देवलोक को त्याग कर आपके पास आ गए हैं। अब हमारा मान सम्मान सब कुछ आप ही हैं। चित्रांगदा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। अब आपका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है। हमारे रहते आपके सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे रहते आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। महाराज, हम अब देवलोक त्याग कर आपके पास हमेशा के लिए आ गए हैं, इसीलिए आपको हमारे रहने का प्रबंध करना होगा। चित्रांगदा, हम आपसे कल ही विवाह करेंगे, किंतु हमारे यहां एक परंपरा है, विवाह से पहले हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए तब तक आपको हमारे अतिथि गृह में विश्राम करना होगा। महाराज, आपके इस निश्चल प्रेम ने तो हमारे हृदय को जीत लिया है। हमारे भी यही संस्कार है कि विवाह से पहले होने वाले पति के साथ रहना अनुचित ही नहीं बल्कि पाप का कारण भी होता है। सुनो, ये आपकी होने वाली महारानी है, इन्हें अपने साथ अतिथि गृह ले जाइए और इनका अच्छी तरह से ध्यान रखिए। चित्रांगदा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों का विवाह नहीं होने दूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुमने सूरत के साथ विवाह करने का निर्णय लेकर एक अधर्म किया है, और मैं उसका तुम्हें दंड दूंगा। एक ऐसा दंड दूंगा कि पूरे स्वर्ग लोक में कोई कन्या तो क्या, पूरे जगत की कन्याएं ऐसा करने का साहस नहीं करेंगी। हमारी होने वाली महारानी जी देवलोक से आई है। अभी तो अप्सराओं जैसी सुंदर है। कोई अप्सरा भी हमारी महारानी जैसी नहीं होगी, है ना महारानी जी? मोहिनी सलीला, मोहिनी सलीला,
राज मंडप में पहुंच चुके हैं। महारानी जी शीघ्र ही चलिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ, हम लाते हैं महारानी जी को। चलिए महारानी जी, अब वो घड़ी आ गई जब महाराज से आपका मिलन होने वाला है। भूचाल आने वाला है। पिताजी आ, अच्छा हुआ जो आप आ गए पिताजी, अन्यथा मुझे हर पल यही लग रहा था कि मैंने आपकी आज्ञा का अवहेलना करके आपका हृदय दुखाया है। परंतु अब मेरा विवाह आपके आशीर्वाद से होगा पिताजी। जिस पुत्री का कन्यादान उसके पिता के हाथों नहीं होता, उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता पिताजी। सुखी तो तुम अब भी नहीं रह पाओगी चित्रांगदा। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने एक धरती वासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति समाप्त होती है। तुमने एक धरती वासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारी सारी दिव्य शक्ति समाप्त होती है। तुमने अपने पिता को दुख दिया है, इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी नहीं रहेगा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप है एक दुखी पिता का, और इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी चित्रांगदा, कभी नहीं। तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब क्या है चित्रांगदा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। हट जाओ मेरे सामने से। नहीं विश्वकर्मा जी, मेरे रहते आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। यहाँ से मत जाइए। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे सामने से।